एशिया में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स भारत में लगता है और यही कारण है कि कॉरपोरेट टैक्स का अतिरिक्त भार अब देश की कंपनियों को खलने लगा है। बजट 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की मांग तेज हो रही है। बजट 2019 में कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स के कम करने की मांग अब अलग अलग क्षेत्रों और संस्थानों से आ रही है। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी ने सरकार से कॉरपोरेट टैक्स घटाने और इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। पर क्या कारण है कि कॉरपोरेट टैक्स को घटाने पर इतना जोर दिया जा रहा है? 34.61% के साथ भारत का कॉरपोरेट टैक्स एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बाद एशियाई देशों में पाकिस्तान में कॉरपोरेट टैक्स 31% है, उसके बाद जापान, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे देश आते हैं। G20 देशों की सूची में अर्जेंटीना में कॉरपोरेट टैक्स 35% है, पर उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत ही आता है और भारत के बाद ब्राजील, फ्रांस और जापान जैसे देश आते हैं। सूरीनाम, कांगो, माल्टा और सूडान जैसे छोटे छोटे देशों को अगर छोड़ दें तो पूरी दुनिया में अर्जेंटीना के बाद भारत में कॉरपोरेट टैक्स सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े इस तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं कि क्यों सरकार से कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की मांग तेज होती जा रही है। कॉरपोरेट टैक्स के ज्यादा होने से कंपनियों पर बोझ बढ़ जाता है क्योंकि उनको अपने मुनाफे से सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और अब जब देश में कंपनियां पहले ही काफी दबाव में चल रही हैं, कॉरपोरेट टैक्स का अतिरिक्त भार इन कंपनियों को खटकने लगा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।